समो का गाना है, कल से आया हुआ है, मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रिएक्टिंग टू अदर सॉन्ग्स अगर हमारा क्रिएटर गाना निकाल रहा है और उसको हम उसके बारे में कुछ ना बोले, मतलब उसको पहले सुनेंगे फिर देखते हैं क्या सीन है। तेरे पीछे सारी दुनिया गवा दूं, जो तू माने तुझे अपना बना दूं, दूर हो गए दे दी मुझको सजा, क्यों बातें क्यों ना माने, भले दिल ना जाने गुजरे जमाने, फिर दिल क्यों जलाए, गैरों को तू मनाए, कदमों में रख दूं ये सारा जहां, इश्क ऐसा तुझको है बिल ना कहूं। यहां तक गाने में समो ये बताता है कि अगर तुम मुझे चांस दे दो तो मैं दुनिया ही हिला दूंगा, मैं मार्स में चला जाऊंगा, मैं इलॉन मस्क के साथ पार्टनरशिप कर लूंगा, तुमको ऐसा प्यार कहीं नहीं मिलेगा। मुझे इग्नोर कर रही हो और पराए लोगों को चांस दे रही हो, तुमको मुझे ऐसा प्यार मिल ही नहीं सकता। अब ये रामीज की कोई सेंस नहीं बन रही, मतलब ये लिरिक्स का ना सर पाउंड थोड़ा सा कम है। ये जो मेन स्ट्रीम रैप करते हैं ना पाकिस्तान में, वो ऐसे ही करते हैं, थोड़ी सी अपनी स्ट्रगल बता दो, थोड़ा सा ये बता दो कि भाई मैं बेंड डाउन नहीं हुआ, थोड़ा सा ये बता दो कि क्या ही कर लिया मैंने, नाम बना लिया और तुम देखते रह गए। तो बस यही सीन है इसका भी। ये सानी सा इसका तो मतलब तुम्हें पता है, इसको तो मैं एक्सप्लेन ना करूँ। मतलब सा का मतलब होता है पश्तो में सामना। आई डोंट 6 out of 10 समो का फर्स्ट अटेम्प्ट है। वैसे ये गाते रहते हैं इंस्टाग्राम पे भी, हमें ये पता है कि उसकी पोटेंशियल है, वो गाना गा सकता है। मगर ऑब्वियसली जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट में इतना फाइन नहीं होता। आतिफ असलम 20 साल पहले उतना फाइन नहीं गाता था जितना वो आज गाता है। तो आई एम हैप्पी कि ही इज़ ट्राइंग समथिंग न्यू विच इज़ ग्रेट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब क्रिएटर्स कुछ नया करने की कोशिश करते हैं बगैर इस डर के कि व्यूज़ आएंगे कि नहीं। जब आप व्यूज़ की पैसे की रेस में लग जाते हो तो वहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है। तो वो क्रिएटर्स जो कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग विद द थिंग्स, कीप ऑन चेंजिंग थिंग्स, कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स आर द बिगेस्ट ह्यूमन बींग्स एवर। ऑनेस्टली मुझे सिंगिंग इतनी बुरी नहीं लगी, गाना बुरा नहीं लगा इतना। समो की एक कैरेक्टरिस्टिक वॉइस है विच इज़ गुड ऑन ईयर्स, बड़ी स्मूथ सी, उसमें एक स्वीट किस्म की टोन है जो हम लोगों को सिंगर्स में मिलती है। बट रामीज को बहुत देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। बींग अ सिंगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका पर्सोना बहुत मैटर करता है। मैं उस तरह के सिंगर्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ जिनकी बॉडी लैंग्वेज में वो होता है जो वो बोलना चाह रहे होते हैं। उनके लिरिक्स एक चीज़ ट्रांसलेट करती है टू द ऑडियंस। वो चीज़ समो में है, वो जब कुछ बोल रहा होता है तो पता लग रहा होता है कि ओके ही इज़ इन टू द सिंगिंग। रामीज बहुत ही अपनी सिंगिंग के साथ उसका एक अटैचमेंट नहीं है, बहुत अंदर से नहीं गाते, कच्चा है बहुत। उसको पकाना पड़ेगा, उसको पका के लाओ। उसका बहुत ऑथेंटिक रैप नहीं है, ना वॉइस उस तरह है, ना कैरेक्टर उसकी तरह है, ना पर्सोना रैपर्स की तरह है। वो थोड़ा सा बचकाना सा रैप है, वो रैप है जो गली के नुक्कर पे भी लोग कर रहे होते हैं, मतलब वो मैं नहीं कर सकती, मतलब वो कोई भी कर ले। जो इख्तलाफ है वीडियो के साथ, दे आर सो मैनी थिंग्स रॉन्ग विद द वीडियो, कलर ग्रेडिंग से लेके थीम से लेके डायरेक्शन से लेके स्टोरी तक। स्टोरी होनी चाहिए स्ट्रांग, स्टोरी नहीं है, चलो सिनेमैटिक्स होने चाहिए, नहीं है। अच्छा कुछ थीम हो उसका, कुछ फ्यूचरिस्टिक हो, कुछ चीज़ रिप्रेजेंट कर रही हो जो अच्छी लगे। बस एक क्लटर है, बहुत ही अनगाइडेड किस्म की वीडियो थी। कि वीडियो अच्छी हो तो वो गाना किधर से किधर चला जाता है, आपके अल्फाज को मतलब दे देती है वीडियो। उन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई है, यहाँ तक वो लग रहा है हैंडसम स्टड किस्म का लड़का, नीचे उसको मुझे नहीं पता क्या डार्क ब्लू शलवार कमीज क्यों पहनाई। प्रॉब्लम शलवार कमीज के साथ नहीं है, मगर इट वॉज नॉट गिविंग अस द वाइब
वो नहीं आ रहा था कि नाइस, वो नहीं निकल रहा था मुंह से। और फिर रामीज ने पहनी हुई है जीन्स, ओवरऑल जीन्स पहनी हुई है, मतलब ये कनेक्शन क्या है। फिर एक जीन्स में लड़की ये जो डांस करी है, नहीं ये वाइबलेस ले, बॉडी लैंग्वेज में उसकी फेस पे कुछ पोर्ट्रे नहीं हो रहा, कुछ कनेक्शन नहीं बन पा रहा। वो बिल्कुल लग रहा है दो डमीज हैं या टॉयज हैं जिनको आपने चाबी दे के लगा दिया कि आप डांस करो। फिर सेट कुड हैव बीन बेटर, मुझे सेट नहीं पसंद आया। हम यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने डिफरेंट कल्चर्स को मर्ज करते हुए दिखाया है, क्योंकि पॉइंट ही नहीं है। वीडियो में आपने थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है, थोड़ी सी ट्रांजिशंस डाली हुई हैं, कुछ फ्रेम्स को रिपीट किया हुआ है। बहुत डिस्टर्बिंग था वो इतना सैचुरेटेड था कि उसको थोड़ा सा टोन डाउन करना चाहिए था। अभी भी यही सोचती रहती हूँ कि पहले गाने की गंदी करनी चाहिए या पहले उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो मैं ये बता दूँ, सम्मो को एज अ क्रिएटर आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट। मुझे लगता है ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ही इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट। सम्मो को मैं दूंगी 8, ज़्यादा है आई नो, बट इट वॉज गुड। सम्मो का पार्ट वॉज गुड, स्टार्ट की लाइन्स अच्छी हैं, गाना किसी और डायरेक्शन में ले जाते, आगे से पार्टी पूरा काट दो, दोबारा से गाओ उसको। रामी इसको मैं दूंगी 4 और वीडियो को मैं दूंगी 2, शुक्र करो 2 मिल रहा है। मुझे बताओ कि तुमको कैसा लगा गाना, क्योंकि मैंने तो बता दिया है, और शायद कोई मुझसे एग्री ना करे, इट्स फाइन, नोबडी केयर्स, नॉट अबाउट मी, नॉट अबाउट यू। सब्सक्राइब कर दो, उसकी मुझे परवाह है। और मिलते हैं नेक्स्ट गाने में, बाय।